मथुरा बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने अपने अपने पर्चा दाखिल कर दिए हैं। प्रत्याशियों ने नामांकन के दौरान ही अपने विरोधियों को ताकत का एहसास कराया, जिन्होंने नामांकन के लिए भीड़ जुटाने में पूरा जोर लगा दिया। इस दौरान ऐसे अधिवक्ताओं की संख्या दिख रही जो सभी प्रत्याशियों के साथ रहे। नामांकन के बाद अधिवक्ताओं ने अपने अपने मुद्दे साथी प्रत्याशियों के समक्ष रखे। इस दौरान अमृत विचार ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से वार्ता कर उनकी चुनावी रणनीति जानने की कोशिश की। नामांकन करने वाले सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं जो प्रत्याशी पहले बार के पदाधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने अपने पहले के कार्यकाल में कराए गए कार्यों का बखान कर अधिवक्ताओं को लुभाने का प्रयास करते नजर आए। सबसे पहले बार अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि वह पूर्व में सचिव के पद पर रह चुके हैं, जो अधिवक्ताओं की पहले भी सेवा कर चुके हैं। वह इस बार आम अधिवक्ताओं की मुख्य समस्याओं को लेकर मैदान में हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि साथी अधिवक्ताओं का सहयोग मिलेगा और अध्यक्ष पद के लिए जीत उनकी होगी। अध्यक्ष पद के लिए ही मैदान में उतरे राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि वह दो बार अध्यक्ष पद पर रहकर अधिवक्ताओं की सेवा कर चुके हैं। पूर्व में उन्होंने कई विकास कराए और अधिवक्ताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि पुलिस सरकारी कार्यालयों और थानों में अधिवक्ताओं के सम्मान में कमी आई है, जिसे दोबारा से वापस कराया जाएगा। बार सचिव पद के लिए गोपाल गौतम उर्फ आई गौतम ने बताया कि वह पिछली बार भी सचिव पद के लिए खड़े हुए थे, लेकिन कुछ मतों से हार का सामना करना पड़ा। इस बार उनके सामने टक्कर लेने वाला कोई प्रत्याशी नहीं है, सभी साथियों का सहयोग उन्हें मिल रहा है। उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने वाले द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी ने कहा कि अधिवक्ताओं के अधिकार के लिए संघर्ष करना और अदालत में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करना मुख्य मुद्दा है। 2021-22 में खड़ा था मैं, पिछली बार आपने दूसरे नंबर पर रहा था मैं, कांटे की टक्कर दी थी जी सर। इस बार आपकी क्या रणनीति है? सर हम जीतेंगे, बहुत ज्यादा इसी जीतेंगे। पिछले वर्ष जो है भाई जो चार बार हारे हुए थे, इसलिए हम जाए चले, हमारा पहली साल था। इस बार हम दूसरे नंबर पर, पिछली बार रहे थे, इस बार पहले नंबर पर रहेंगे। इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा सिर्फ वकीलों के हित के हैं, जितने भी मुद्दे हैं सारे वकीलों के हित के मुद्दे। तो एक मुद्दे बताइए। जैसे वकीलों के हमारे साथी अधिवक्ताओं के वेलफेयर के मामले हैं, जैसे बीमा स्वास्थ्य बीमा कराना है, जैसे कि वकीलों के हित के लिए चैम्बर बनवाने हैं, जैसे कि यहाँ पार्किंग की या गंदगी की व्यवस्था है, जो इस समय कहते परिसर में काफ़ी गंदगी व्याप्त है, उसको खत्म करा के स्वच्छता के खोल ले जाना, इस तरह काफ़ी मुद्दे हैं जो वकीलों के हित में हमें करते हैं। अध्यक्ष पद का बार एसोसिएशन चुनाव। अच्छा, तो उपाध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं, तो आप मुझे इतना बताइए क्या काम करवाओगे आप उपाध्यक्ष पद से? मेरा सबसे बड़ा काम होगा अधिवक्ताओं के हितों के लिए संघर्ष करना, अदालतों में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उस पर भी अंकुश लगवाने का प्रयास करूंगा, और जितना अधिक से अधिक मुझसे हो सकेगा अधिवक्ताओं के हित के लिए हर काम करूंगा। अच्छा, आपने एक शब्द बोला कि अदालतों में भ्रष्टाचार, अदालतों में किस प्रकार का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है? कई तरह का भ्रष्टाचार है, पीसी के 20 और 50 रुपये लेते हैं बाबू, और क्लाइंट बड़ा परेशान होता है, जो वकील नहीं देता है तो उस पर शंका करते हैं कि वकील ने हमारा पैसा रख लिया, इस पर भ्रष्टाचार लगाने का प्रयास करते हैं। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? अब जब मौके पे जो मुद्दे आएंगे वो सब आएंगे। वर्तमान में आपने बताया कि वर्तमान में जो वकीलों की समस्या है उनका समाधान करें, तो वर्तमान में क्या क्या समस्याएं हैं वकीलों की? वकीलों की समस्या इस समय सबसे बड़ी चैम्बरों की है। हमारे जूनियर साथी अधिवक्ताओं के लिए चैम्बरों की बहुत बड़ी समस्या है, मारामारी हो रही है। हम चाहेंगे अपने अध्यक्ष और जो भी हमारे पदाधिकारी होंगे उनके सहयोग से चैम्बरों की समस्या का निराकरण या समाधान किया जाए। जो आम अधिवक्ता की मूलभूत समस्याएं, उन्हीं को लेकर मैं चुनावी मैदान में हूं, जिनमें से मुख्य मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। यदि मुझे अपने वरिष्ठ अधिवक्ता गणों, युवा साथियों, बहनों और साथी अधिवक्ता गणों का सहयोग मिला, सेवा करने का मौका दिया, तो मैंने निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से प्रयास करूँगा। जैसे कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो मुख्य हैं? सबसे मुख्य मुद्दा प्रत्येक अधिवक्ता का 1 माह के अंदर 5 लाख रुपए का मेडिकल क्लेम। उस किसी भी अधिवक्ता को जो बार एसोसिएशन मथुरा से संबंधित है, उसको किसी प्रकार के बिना खर्चे के मुफ्त में 5 लाख तक इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस काम को निश्चित रूप से 1 माह के अंदर में करके देखूंगा। मैं अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हूँ, 2 बार यहाँ मथुरा बार का सचिव रहा हूँ,
मैंने जहाँ मथुरावार की सेवा की है, जब मैंने एक बार पहले सेवा की थी उसी वजह से जो है अधिवक्ताओं ने मुझे दोबारा मौका दिया और मैं दोबारा सेकंड किया। इस बार क्या मुद्दे हैं आप? मेरे मुद्दे हैं, मेरे मुद्दे रचनात्मक मुद्दे होते हैं। मेरा मुद्दा या निर्माण कराना, जब मैं यहाँ मथुरावार में रहा मैंने हॉल का निर्माण कराया या चैम्बरों का निर्माण कराए, गली खरंजे सब पक्के कराए और अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए मैंने लड़ाई लड़ी और अधिवक्ताओं का सम्मान बढ़ाऊंगा। और जब मैं सचिव पद पर रहा था तो अधिवक्ताओं का मैंने सम्मान बहुत बढ़ाया था। इस बार क्या रणनीति है आप? मेरी रणनीति ये रहेगी कि अधिवक्ताओं में सम्मान में जो कमी आई और जगह जगह ये बोर्ड लग रहे हैं और ये पुलिस थानों में ये अधिवक्ताओं का जो सम्मान नहीं होता है, हमारे जो छोटे अधिवक्ता होते हैं, जूनियर अधिवक्ता होते हैं, उनका कार्य थाने जाना होता ही होता है, पुलिस SSP ऑफिस से DM ऑफिस जाना होता ही होता है, परंतु वहाँ अधिवक्ताओं के सम्मान में जो गिरावट आई है आप 10 दिन के अंदर देखोगे कि जो अधिवक्ताओं का पुनः सम्मान वापस होगा और ये ऑफिसों में ये उल्टे सीधे जो अधिवक्ताओं के से प्रतिभाषा बोली जा रही है उनको ऐसा कंट्रोल कर दिया जाएगा वो बोल नहीं पाएंगे।